तो गाइस अभी ना फिलहाल हम दोनों जा रहे हैं अपने घर का राशन लेने डी मार्ट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, उससे पहले जाएंगे हम बस अड्डे जूते वगैरह जूते लेने 300 रुपये 350 रुपये चाटो माल। तो वहाँ पे जूते लेने और फिर राशन लेना है। एक यार ये गाड़ी मेरी इसलिए पसंद नहीं आती, इसमें बैठे हम आई हाई इतना आवाज़ करा जैसे जनरेटर चल रहा हो। बाहर तो बाहर महसूस होता बाहर करती होगी लेकिन नहीं अंदर बैठ के ही पता चलता था। तो हमने कोविड का तो कर दिया बिल्कुल कैंसिल, कोविड बाहर निकाल बाहर निकाल दी। अब तो 1 लाख में ही मिल रही होगी ना, तब भी नहीं लेने का मैं कोविड दो। तो अभी फिलहाल वहीं चलते हैं अपने अर्बन सिटी से जहाँ से हम डेली सो रिक्शे में बैठते हैं, वहाँ से बैठ के फिर सीधा आपसे मिलते हैं डी मार्ट पे। डब्बो बत्ती बोल रही लो काली कार ऐसे मनो पाने का ट्रैफिक की आवाज आएगी तो हो जाएगा, पर तो ऐसा अल्लाह मचाएगा तो ना होने का। अभी फिलहाल हम लोग जो आ चुके हैं ये है यहाँ की फेमस मार्केट जूतों की, मतलब फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी और किस्मत अच्छी हो कभी कभी ओरिजिनल मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा सुबह जल्दी। तो यहाँ से लेके ये पूरा मार्केट जूतों का है, और पहले यहाँ संडे मार्केट भी लगता था, वो आपको दिखाएंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिलहाल जल्दी से यहाँ से जूते ले लेते हैं और चलते हैं। भाई जूते हो गए, बस जूते ही हुए हैं, 1 घंटे में और कुछ नहीं हुआ। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोगों ने जूते तो ले लिए हैं, अभी आपको घर पर जाके दिखाएंगे। अब फटाफट से चलते हैं डी मार्ट, घर का राशन भी लेना है, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो जल्दी से आपसे डी मार्ट में चल के मिलते हैं। तो गाइस अभी ना फिलहाल हम लोग आ चुके हैं डी मार्ट पे, और अभी बाहर तो मतलब इतनी भीड़ है नहीं, तो जल्दी से अंदर चलते हैं। पहले वहाँ पर हम लोगों को रखने जूते जो हम वहाँ से लेकर आए, और यहाँ से एंट्री होगी, तो फटाफट से चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये टोकरी ले ली है, ट्रॉली तो हमें मिली नहीं क्योंकि ट्रॉली की काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। और गाइस ये देखो यार इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम सोच रहे थे शाम को पहुँचेंगे तो भीड़ होगी नहीं, तो पर भीड़ तो यार ये तो पोपट हो गया रे, पैदल पैदल चलो इसका कुछ फायदा ही नहीं रहा। हाँ हमारा तो सारा सामान हो चुका है इस फ्लोर का, अब बस हमें जाना ऊपर, 2-3 सामान रह रहे हैं बस, सर्फ वगैरह वो ले लें। इधर आ जा, यहाँ जा। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग ने शॉपिंग तो कर ली अपनी, यार मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी एक जनी आई जो यहाँ पे काम करते हैं, सर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। मैंने ठीक है हम नहीं कर रहे। तो अभी फिलहाल हमने ले लिया सारा सामान, अब चलते हैं घर पे। मेन तो वही रह गया था, और वही मेन रह गया, दो सामान थे, एक तो चीनी नहीं मिली यहाँ पे, और क्या था चावल, चीनी चावल, और हम एक अरहर की दाल पैक करा के लाए थे, उस पर उन्होंने स्टिकर नहीं लगाया तो वो इसलिए छोड़नी पड़ गई। और एक जोड़ी हमने जूते उठाए थे स्पार्क्स के थे, हमें डाउट लग रहा था, पर वो रखे थे 429 वाले केस में, जैसे हम यहाँ पे आए उसके असली रेट सुन के हम डर गए, 1250 रुपये मैंने वापस रख ले भाई, हमें नहीं चाहिए। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और घर पे भी इंतजार। सामान गिरते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं रिक्शे में, क्योंकि हमने पहले कोशिश करी थी, पहले हमने कोशिश करी थी उबर या ओला करने की, तो उसमें इतने सारे पैसे निकाल दिए ऑटो के, 242 रुपए, और यहाँ से मात्र मुश्किल से 8 किलोमीटर होगा। हम डर गए, आज हम पैसों को देख देख के डर गए, पहले शॉपिंग मॉल में जूते के रेट देख डर गए, तब हम ई रिक्शा से जा रहे हैं कि ई रिक्शा से जाने का हमारा फायदा क्या होगा, 10-10 रुपए यहाँ से लाल हुए गए, फिर वहाँ से हमारी सोसाइटी के मतलब कि सामने तक है 24 के 10 रुपए, और फिर अंदर के टोटल हम 40 रुपए पहुँचाएंगे वहाँ, 242 मांग रहे हैं वो भी के हैं 80 में ही तो बोलो, 80 में ही बोलो, ये ना कुछ होता है नहीं, दो ये तो फिलहाल अभी हम दोनों वापस आ चुके हैं घर पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ जूते जो हम वहाँ से लेकर आए थे, और उसके बाद फिर इसके रेट बता दूँ कितने के हैं। वहाँ पे जूते बहुत सस्ते मिलते हैं, और बेस्ट प्लेस है, एक बार और व्लॉग बनाया था मैंने उसका, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मेरे दोस्त ने कमेंट भी करा था भाई मैं भी जाऊँगा वहाँ लेने, तो वो अच्छी जगह है सस्ती जगह, तो मैं दिखा दूँ जूते आपको। तो ये देखो ये तो हैं भैया के, भैया ने अपने लिए पसंद किया, मतलब मेरा और भैया का साइज सेम है, तो कोई भी पहन लो, और पापा जी भी पहन सकते, स्पोर्ट्स शूज़ तो पापा भी पहन लेते, और मैं ये लेकर आया हूँ अपने लिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मतलब इस तरीके के मैंने शूज़ पहने नहीं है। और अगर मैं आपको इनके रेट बताऊं तो रेट काफ़ी चीप बोलो या फिर सबसे सस्ते बोलो, ये मात्र हैं 400 रुपये, तो ऐसे रेट मिलते हैं वहाँ पे, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। तो वो तो हम शाम के टाइम गए थे, तो उस टाइम पे वो रैपअप कर रहे थे, तो 400 रुपये कर दिए,
और सुबह को जाओ तो भी 400, मतलब 350-400 के जूते अच्छा मिल जाता, जो 1 महीना चल जाए बस, इतना चलाने होते हैं, बाकी हमें टेंशन है नहीं बाकी। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, अगर पहली बार आपके सामने ब्लॉग आया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है।